क्या आपको वनीला स्पॉन्ज केक पसंद है? चलो बनाते हैं। वेलकम टू मास्टर्स प्लेटर, आई एम सलोनी अरोड़ा। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, 60 ग्राम्स न्यूट्रलाइट बटर। अभी हम 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। थोड़ा गिर गया है तो अभी मैं कम ही डाल रही हूँ। अभी इसको हम बीट करते हैं। हमको अंदाजन 3 मिनट तक इसको बीट करना है, जब तक ये एकदम फ्रॉथी ना हो जाए। जैसे ये झाग झाग ऊपर आ गया है, ये पॉइंट पे हमको पता चलता है जब ये फ्रॉथी है कि हमारा ये जो कंडेंस्ड मिल्क है एंड न्यूट्रलाइट बटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट और लाइट हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे 125 ग्राम्स मैदा, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon सोडा। ये जो आपको कप्स एंड स्पून्स दिख रहे हैं, हमको इनको यूज़ करना है प्रेस एंड लेवल। आपको नेक्स्ट टाइम केक में कैसे इसको यूज़ करना है, मेजरमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए। एंड जो मैदा भी है हमको वेइंग स्केल के ऊपर मेजर करना है, पेपर प्लेट के ऊपर। अभी हम इसको फिर से बीट करते हैं। अभी हमारा बैटर रेडी है और अभी हम ये फ्रेश सोडा बॉटल खोलेंगे। अभी इसके अंदर 1/4 कप जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। हम पहले डाल रहे हैं, इसको अभी हम अपना अवन खोल लेते हैं। एट दिस स्टेज 180 डिग्रीज पे प्री हीट करेंगे फॉर 5 मिनट्स। अभी हम इसके कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। ये भी वही सॉफ्ट फ्री फ्लोइंग रिबन टाइप कंसिस्टेंसी चाहिए। हल्का सा इसको बीटिंग की ज़रूरत है, थोड़ा स्मूथ होना चाहिए और हल्का सा सोडा और डालेंगे। अभी हम इसको, ये जो हमारा टिन प्रिपेयर्ड है, ग्रीस किया है और बटर पेपर लगाया है जिसको पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं, अब इसमें इसको पोर कर रहे हैं। ये 7 इंच टिन में हम इसको बेक करेंगे। देखा कैसे फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर थिकिश रहेगा तो केक फूलेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम केक को कंसिस्टेंसी राइट होनी चाहिए। जब 80% बेकिंग टाइम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर हम इसको थोड़ा साइड चेंज कर सकते हैं ऐसे, तो उससे क्या होता है इवन ब्राउनिंग होती है। बस अभी 5 मिनट और बेक करेंगे और केक हमारा हो गया है। अभी हमारा स्पॉन्ज अवन से बाहर है, अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। 5 मिनट इसको कूल करना है, ठंडा करना है और फिर इसको इन्वर्ट करना है ऑन द ग्रिलर, जाली पे इसको इन्वर्ट करना है। तो हल्का सा टैप करेंगे और इसको सीधा ऊपर ऐसे उठा लेंगे। अभी इसको
कम से कम 15 से 20 मिनट ठंडा करना ज़रूरी है। जब हम काटते हैं पीसेस तो फिर एकदम नीट कटता है। अभी हमने केक 15 मिनट ठंडा किया है, इट शुड बी कूल टू टच। तो अभी ये हमारा हाफ केजी केक रेडी है। तो अभी क्योंकि ये राउंड शेप है तो हम इसको पिज़्ज़ा स्टाइल काटेंगे। हम चाहें इसके 8 पीसेस करें और चाहें हम इसके 6 पीसेस बड़े बड़े करें। मैंने अभी इसके 4 पीसेस ही किए हैं। तो ये देखें कितना सॉफ्ट है, कितना पोरस है ये हमारा स्पॉन्ज। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। We'll be right back.